नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से निबंधकीय कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और आज से हम आपको निबंध पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये निबंध आपकी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा और पीसीएस जैसी मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ठीक है। और ये जो निबंध है, इसकी आपको हम पूरी फॉर्मेटिंग, पूरी ड्राफ्टिंग करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से निबंध हमको लिखना चाहिए, ठीक है। निबंध लिखने से पहले मैं आपको निर्देश देना चाहूंगा। निर्देश ये है, जैसे एक घंटा एक निबंध को लिखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो उस एक घंटे में आपको क्या करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट आपको निबंध की सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है, पूरा फॉर्मेट बना ले लिए, भूमिका से लेकर के उपसंहार तक, निष्कर्ष तक, पूरा रफ पेज पर, यानी जो लास्ट में रफ पेज होता कॉपी पर, वहां पर आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे कि हमको भूमिका में क्या लिखना है, पूरा पॉइंट पॉइंट लिख लेंगे, ठीक। मतलब हिंट के लिए, भूमिका में क्या रहेगा, भूमिका के विस्तार में क्या रहेगा, प्रसंग में क्या रहेगा, कारण क्या है, निवारण क्या है, उपाय क्या है, प्रभाव क्या है, और सरकारी प्रयास क्या है, गैर सरकारी प्रयास क्या है, उपसंहार क्या है, ये सारी चीजें आप टू द पॉइंट वहां पर लिख लेंगे। 20 से 25 मिनट या कहें बल्कि आधे घंटे तक आपको यही काम करना है। जब निबंध की पूरी फॉर्मेटिंग हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मूल कॉपी पर आना है और वहां पर आपको लिखना प्रारंभ कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट सारा तैयार रहेगा, पॉइंट सारे तैयार रहेंगे, उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं बिंदुओं को आपको इलाबोरेट करना है और इस तरह आपका जल्दी से आधे घंटे पूरा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ये फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, ये ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपको लिखना कहीं कुछ और है, लिख कुछ और जाएगा। वो लिखा जाना चाहिए था कारण में, लिख गया निवारण में, लिखा जाना चाहिए थे प्रभाव में, लिख गया कहीं और, ठीक है। मतलब कि सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा निबंध आपका इरेगुलर हो जाएगा। आपने लिखा सब कुछ होगा, लेकिन जो जहां व्यवस्थित होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि निबंध की फॉर्मेटिंग करना बहुत जरूरी है। आप आधे घंटे का समय दीजिए फॉर्मेटिंग पर, ड्राफ्टिंग पर, और आधे घंटे में निबंध को कॉपी पर उतार दीजिए। ये होती है अच्छी निबंध लिखने की तकनीक या रणनीति, ठीक है। तो यही तकनीक और रणनीति आपको हम बताएंगे कि कैसे पूरा निबंध लिखा जाना चाहिए। आज हम आपको आयुष्मान भारत पर निबंध पूरा बताएंगे कि कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी हम आपको प्रस्तावना बताएंगे और कैसे ड्राफ्टिंग मैंने की है, आप कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे परीक्षा में, ये आपको बताएंगे। और इसका जो पूरा निबंध है, करीब 1000 से 1200 शब्दों में जो निबंध लिखा हुआ है, 1000 से 1200 शब्दों में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको वहां पर तो 600 या 700 शब्दों में लिखना है। खंड शिक्षा अधिकारी में आपको 700 में लिखना है, समीक्षा अधिकारी में 600 में लिखना है। मान लो अगर आप 600 शब्दों का निबंध देते हैं और आप 600 शब्द पढ़ के गए, तो क्या होगा कि आप 100-200 शब्द भूल जाएंगे, तो परीक्षा में आप 300 या 400 शब्द लिख पाएंगे। बाकी आप फिर बना बना कर लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर अच्छे नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है। इसलिए हमने आपको 1000-1200 शब्द दिए हैं, उनको आप याद करके अच्छे से जाइएगा और आप 600-700 शब्द आराम से लिख सकते हैं भूलने के बाद भी, ठीक है। वो निबंध की पीडीएफ जो हमारा ग्रुप चल रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी का और समीक्षा अधिकारी का, दोनों का अलग अलग बैच चल रहा है मुख्य परीक्षाओं के लिए, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी वहां पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी और जो निबंध आपका पूरा है ये पीडीएफ के रूप में आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उस आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपके पास रहेगा, कोई भी परीक्षा आए तब आप उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इस निबंध को जो वहां पर पीडीएफ आपको मिलेगा, कम से कम 4 से 5 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो, आपको लगता है कुछ पूछना है, कोई समस्या है, तो वो लिखा हुआ आपका निबंध मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर, और तो उसको चेक करके हम आपको फीडबैक दे देंगे, ठीक है। और वैसे यहाँ पर फीडबैक दिया जा रहा है, जो भी बैच चल रहे हैं, जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको फीडबैक दिया जा रहा है, चाहे वो लेटर लिख रहे हो, चाहे गद्यांश लिख रहे हो, या कुछ आप कुछ भी आप लिख रहे हो, जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसका फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर हमको फीडबैक दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। तो उन दोनों बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन लिख देना है, बीओ या आरओ जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और नंबर है 8423291094, 84-23-29-94, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको ज्वाइन बीईओ या ज्वाइन आरओ या आरओ लिख करके भेज देना है, जहां पर आपको ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे निबंध की फॉर्मेटिंग की जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है,
कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, फिर से आने की संभावना है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तीन परीक्षाएं लगी हुई है, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षा, तीनों मुख्य परीक्षाएं हैं, कहीं पर भी ये निबंध पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए निबंध जो हमने एक निबंध, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था निबंध का, निबंध कैसे लिखा जाता है, या एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें और कौन सा टॉपिक कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो फिर से आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर जो मेन मेन बिंदु थे वो थे भूमिका। ठीक है, हमको सबसे पहले भूमिका लिखनी होती है जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, फिर अगले पैराग्राफ में उस भूमिका का विस्तार करना होता है, कितने शब्दों में लिखना है ये मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा। फिर मूल प्रसंग पर आते हैं कि मूल प्रसंग क्या, मतलब कि मूल विषय क्या है जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रसंग का विस्तार, विस्तार में होता है उसके कारण क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, निवारण क्या है, उपाय क्या है, प्रभाव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, मतलब ये मूल प्रसंग है। ठीक है, उसका विस्तार कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद पूर्व उपसंहार में लिखा जाता है कि इसके लिए अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं, या फिर और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या फिर आपके अनुसार और क्या सुझाव हो सकते हैं, ये लिखा जाता है पूर्व उपसंहार में। ठीक है, और उपसंहार यानी निष्कर्ष अंत में लिख दिया जाता है, छोटा सा पैराग्राफ, और निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, लगे कि हाँ निबंध में एक आशा की किरण दिखाई गई है और आगे बहुत कुछ होने की संभावना है। ठीक है, तो हमेशा इन पांच छह बिंदुओं को याद रखिए, आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी निबंध लिख पाएंगे। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य संबंधित योजना चलाई थी, ठीक है, और बहुत ही कारगर साबित हुई है, लाखों करोड़ों लोग इस योजना का लाभ अभी तक ले चुके हैं, और जितने भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से WHO हो गया, ठीक है, तो इन सब ने बड़ी तारीफ की है भारत की, कि जो है ये बहुत अच्छी योजना है और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, तो वो सारी चीजें पूरा निबंध लिखा हुआ क्या क्या है वो आपको हमने PDF में दे दिया। ठीक है, वहां पर आप जाइए, PDF को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलाइए और आराम से उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो भूमिका हमने यहाँ पर लिखी, उसको आप पढ़ के हम बता देते। भूमिका में देखिए मैंने बहुत ही एकदम से स्पेशल टाइप की, मतलब आपको लगेगा कि देखिए भूमिका में क्या मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य के बिना जीवन .. जीवन नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं है, यह सिर्फ एक आलस्य और दुख की अवस्था है, डेथ मृत्यु का प्रतिबिंब है। ठीक है, अपने इस कथन के माध्यम से अल्बर्ट आइंस्टीन ने यही समझाने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य ही जीवन और जीव मात्र के अस्तित्व का सार है, स्वास्थ्य ही व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि का आधार होता है। अगर किसी समाज के लोग स्वस्थ नहीं हैं, तो उस समाज से बना राष्ट्र दुख भरा वर्तमान और निराशा भरा भविष्य लेकर ही आगे बढ़ता है। बहुत एकदम से शब्दों का चयन ऐसे किया गया है जैसे शब्दों को एक मोतियों की माला में पिरो दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो ये अच्छी होगी प्रस्तावना। ठीक, आप देखिए आगे क्या करना है, इस जो भूमिका है इसका हमें विस्तार करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने बिंदु बना दिए हैं कि अब जैसे मैंने कहना ये फॉर्मेटिंग कर ली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सिर्फ यही नहीं करना है, आपको ये बताना है कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके आप चार पांच बिंदु बता दें। ठीक है, कब प्रारंभ की गई है, सारी डेट वगैरह स्थान सब लिख दें। पर ठीक है, तो यहां पर देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी, कब प्रारंभ की गई, योजना क्या है, उद्देश्य क्या है, योजना के तहत प्रावधान क्या है और योजना के घटक क्या है। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में क्या बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे कि पिछली अगर इससे संबंधित कोई योजना चल रही है तो उसका रेफरेंस लेंगे। ठीक है, बताएंगे कि इससे पहले योजना चल रही थी और उसमें इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, कहीं ना कहीं वो लागू नहीं हो पा रही थी, कुछ कमियां थी, इसलिए उसके स्थान पर इस योजना को लाना पड़ा। ठीक है, तो ये हम बता देंगे इसके लिए इसकी जो है आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्व वाली योजनाएं प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कब प्रारंभ की गई, हमेशा बाकायदा डेट बताएंगे, किसने प्रारंभ की है, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, मुख्यमंत्री, किसने प्रारंभ की, कहां से प्रारंभ की है, किसकी जयंती पर प्रारंभ की गई, किस स्थान से प्रारंभ की गई है, ये सारी चीजें हम एक पैराग्राफ में छोटा सा बना के बता देंगे। ठीक है, इसके बाद योजना क्या है। ठीक है, योजना क्या है, योजना मतलब आयुष्मान भारत योजना है क्या, क्या है ये। ठीक है, यानी स्वास्थ्य संबंधित है, कितने करोड़ लोग, कितने ग्रामीण, कितने क्षेत्रीय, ठीक नगरीय, तो कितने लोग लाभान्वित होंगे, ये सारी बातें हमको बतानी है योजना में, यानी कि एक पैराग्राफ देना है योजना क्या है। ठीक है,
यानी जितनी ये हेडिंग आप देख रहे हैं इतने ही आपको पैराग्राफ बना लेने हैं, ठीक है। बीच बीच में डायग्राम भी बनाना है, मैंने डायग्राम और फ्लो चार्ट का काफी इस्तेमाल किया है, पूरी चीजें सिस्टमेटिक में पॉइंट में और बिंदुओं में बुलेट बना करके और डायग्राम बना करके फ्लो चार्ट बना करके प्रस्तुत की है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा निबंध लगेगा, और ऐसा निबंध आपने लिख दिया तो समझो कि जो 40 नंबर का आपका निबंध है समीक्षा अधिकारी में, कम से कम आप 30 नंबर से कम नहीं पाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। मतलब 28-30 नंबर आराम से आप पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से लिखना है। फिर हम बताएंगे कि योजना क्या है, ये बता दिया। उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब कि क्यों ये लाई गई है, मतलब क्या भविष्य में क्या इसका मतलब स्कोप है, और इसका मतलब कि ये क्यों कौन सा लक्ष्य पाना चाहती है, यानी कि कितने करोड़ लोगों को लाभ देना है, किस आबादी को कवर करना है, ये सारी बातें आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है। फिर योजना के तहत प्रावधान, ठीक है, प्रावधान यानी कि नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान क्या है, ग्रामीणों के लिए क्या है, ठीक है, जो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है, ठीक है, और मतलब कि छोटा परिवार उसके लिए क्या है, बड़ा परिवार उसके लिए क्या है, मतलब कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये सारे आपको बताना है यहाँ पर। फिर योजना के घटक या भाग, ठीक है, योजना कितने भागों में विभाजित है, ठीक, जैसे कि आरोग्य केंद्र बनाएंगे, वेलनेस सेंटर बनाएंगे, ठीक है, और एक आरोग्य केंद्र पर या जो ग्रामीण पीएससी है वहां पर कितने डॉक्टर होंगे, कितने नर्स होंगे, कितना स्टाफ होगा, फार्मासिस्ट होगा, मेडिकल स्टोर होंगे या जो कर्मचारी वो सब होंगे, वो सब बताना है, ठीक है। इसके बाद योजना की संरचना क्या है, ठीक है, कि मतलब हॉस्पिटल कैसे होंगे, निजी हॉस्पिटल हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल हैं, किस क्लास के हैं, द्वितीय श्रेणी की हैं, तृतीय श्रेणी हैं, ठीक है, उनमें कैसे इलाज होगा, प्रबंधन कैसा होगा, एम्बुलेंस की सुविधा होगी, पैथोलॉजी की सुविधा होगी, खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयां इत्यादि चीजें, मतलब की सारा कुछ बता देना हमको, ठीक है। इसमें योजना की संरचना या फिर इसका ढांचा कैसा होगा, ठीक है, किस किस स्तर पर काम करेगी, गांव के स्तर पर कैसे काम करेगी, नगर और शहर के स्तर पर कैसे काम करेगी, ठीक है, मतलब इसकी कड़ियां कैसे, मंडल स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर पर या फिर तहसील या ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार से अस्पताल बनाए जाएंगे, ये सारी बातें हमको बता देना है, ठीक है। फिर क्रियान्वयन कैसे होगा, किस प्रकार से पेशेंट जाएगा, ठीक, क्या प्रक्रिया है, कार्ड बनवाएगा, ठीक है, कैशलेस कार्ड बनेगा उसका, 5 लाख रुपए का वो कैशलेस इलाज करा सकता है, ठीक है, खाने पीने का भी कुछ दिया जाएगा, दवाइयां मुफ्त होंगी, जो पैथोलॉजी है, जांच है, वो सब फ्री होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। फिर प्रभाव इसके क्या होंगे या इसके लाभ क्या है, इससे फायदा क्या होगा, ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है, इसके लाभ क्या है, तो आप जब निबंध पढ़ेंगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस योजना से क्या लाभ होने वाले, ठीक है, ये आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर जब ये योजना लॉन्च हो रही है तो अभी इसी बात है कि कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं जिनका हमको इस योजना के लिए सामना करना पड़ सकता है, वो चुनौतियां बता देंगे, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जब भी कोई योजना लॉन्च की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा हम उसको सकारात्मक रूप में लेते हैं, ठीक है, नकारात्मक बहुत कम लिया जाता है। अगर आप जो है 10 बातें उसकी सकारात्मक बता रहे हैं तो ज्यादातर 2-3 बातें उसकी नकारात्मक बता रहे हैं, ठीक है, उल्टा ना हो, मतलब कि 2-3 बातें आपने सकारात्मक बताई हैं और आपने 8-10 बता दी निगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, ठीक है। चूंकि सरकार जब योजना को लॉन्च करती है तो हमेशा उसका एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है, ठीक है, तो उसके तहत वो लॉन्च करती है, तो अगर आप निगेटिविटी दिखाएंगे तो फिर एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिविटी दिखाइएगा। फिर और क्या किया जाना चाहिए, मतलब कि पूर्व संघार में आने वाले हैं तो इस जो योजना बनाई गई उसका जो खाका बनाया गया है, उसका ढांचा है, उसके घटक है, भाग है, या जो भी प्रावधान है, क्या उसमें कोई कमी है, क्या आपको लगता कि कुछ और सुधार की गुंजाइश है, क्या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, आपके कोई विचार हैं, आप उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन चीजों को भी आप इसमें यहाँ पर उपसंहार से पहले मेंशन कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है उपसंहार या फिर निष्कर्ष, ठीक है, अंत में जाकर के एक छोटा सा पैराग्राफ बना करके, आप चाहें तो निष्कर्ष में कोई स्लोगन डाल सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में भी आप कोई स्लोगन डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आइंस्टीन का रेफरेंस दिया है तो स्लोगन की आवश्यकता नहीं थी, खुद ही मैंने उनकी लाइनें लिख दी हैं, यहाँ पर आप कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने कई निबंधों में इन चीजों का इस्तेमाल किया कि किसी कवि की, किसी विद्वान की, किसी महापुरुष की लाइनों से निबंध को स्टार्ट किया है, बीच में भी डाला है, निष्कर्ष में भी डाल दिया है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अगर हम निबंध का थोड़ा साज श्रृंगार कर देते हैं तो मतलब उसकी शोभा बढ़ जाती है, एग्जामिनर को लगता है कि लड़के ने मतलब पढ़ा है, उसे पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर लिखी जानी चाहिए, ठीक है, और
यहाँ पर बीच में दो तीन मैंने डायग्राम भी बनाए हैं कि फ्लोचार्ट बने हुए हैं, तो वो भी आपको बनाने हैं। उससे एक इम्प्रेसिव निबंध बनता है और अच्छे निबंध, मतलब मैं 28-30 नंबर की बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, रात दिन लगा दिया उसको तैयार करने में, ठीक है, तब जाकर के निबंध तैयार हुआ है। तो ये निबंध आपको पीडीएफ मिलेगा उस ग्रुप में, कहां पर, जहां आप ज्वाइन करेंगे, 8423291094 8423291094 नंबर है, ज्वाइन लेकर भेजेंगे, उस ग्रुप में आपको ये दिया जाएगा और वहां से आप जाकर के पूरा निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको सारे निबंधों की फॉर्मेटिंग यहाँ से करा देंगे, बाकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि वो ग्रुप आने का हमारा उद्देश्य बस यही था कि जो लोग सीरियस हैं, जो लोग वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, वो उस ग्रुप में जुड़े और आके तैयारी करें। आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था आरओ यारो मेंस फाइटर, और मैंने कहा था कि सिर्फ वही लोग जुड़े जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या जिनकी संभावना आईबी प्री हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे करीब 2000 लोग वहां पर घुस चुके हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनका प्री ना दिया हो और वो भी उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, जो अपनी नौकरी के लिए सीरियस हैं और जो मेंस देने जा रहे हैं, तो वो लोग उस ग्रुप में आए, जुड़े और उनकी हम तैयारी कराएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और मैं कहूंगा कि आप हो सके तो भूमिका यही आप परीक्षा में लिखिएगा, आप देखेंगे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका 700 या 600 शब्दों का निबंध है तो एग्जामिनर उसको पूरा कभी नहीं पढ़ता है, हमेशा स्टार्टिंग भूमिका पड़ेगा, ठीक है, बीच में एक दो पैराग्राफ देख लिए, कोई डायग्राम आपने बनाया, फ्लोचार्ट बनाया वहां पर देख लिया और उपसंहार देखा, उसे अनुमान लग जाता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो इतना अनुभवी होता है उसे पता चल जाता है और वो कि उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर दे देता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि भूमिका आपकी दमदार होनी चाहिए, तभी आपको दमदार नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।